ईश्वर को लोगों भक्त प्यारे हैं, ईश्वर को लोगों भक्त प्यारे हैं। मुझे इस लाइन से याद आया, संगीत अपने आप में एक भक्ति का अहम पार्ट है। आज के परिपेक्ष में अगर आप देखेंगे तो नव युवक युवतियां जो बाजारों में घूमते फिरते आपको दिखाई देंगे, किसी के पास बांसुरी होती है, किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक गिटार होता है, किसी के पास एक ऑर्गन होगा, पियानो होगा, इसका क्या मतलब है? वो संगीत के महत्व को भले ही नहीं समझ रहे हैं लेकिन उससे प्यार तो करते हैं, जब तो लेके घूम रहे हैं। उनको बस केवल दिशा परिवर्तित करनी है उनकी। इसलिए उन गुरुओं से सबसे मेरा निवेदन है कि इन बच्चों में संगीत के साथ साथ संगीत में भक्ति का क्या अहम हिस्सा है ये भी समझाया जाए, तो वर्तमान पीढ़ी बहुत समझदार होगी और संगीत के साथ साथ ईश्वरीय गुणों को भी समझेंगे। वो चाहे किसी भी मजहब का हो, इससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं आज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी मुर्शिद से, गुरु से, संत से, महापुरुष से जुड़ा अवश्य रहता है। बस केवल फर्क इतना ही है कि जहाँ हम संगीत सीखने जाते हैं उसमें थोड़ा सा भक्ति का पार्ट कम होता जा रहा है। केवल कला को लेकर के तो लोग बाग सजग हैं, पर ईश्वर के प्रति और इसका रुझान बढ़ जाए। इसीलिए संतों ने लिखा है, ईश्वर को लोगों भक्त प्यारे हैं, भक्तिहीन ब्रह्मा क्यों नहीं हो, श्रेष्ठ गति को पावे ना, नीच करे भक्ति मन लाकर, इत उत चित डुलावे ना, उसे महापुरुषों में पदवी मिले किसी भांति, कोई हटावे ना, स्वर से प्यार करे जब प्राणी, भक्त हृदय वो कहलाएगा, ईश्वर को लोगों भक्त प्यारे।